आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने घर घर तिरंगा फहराने का अभियान चलाया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हम आजादी के पर्व को उत्साह के साथ मनाने के लिए प्रेरित हों। इसकी शुरुआत शासकीय कर्मचारियों को झंडा वितरित कर किया गया। रैली में जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अपर कलेक्टर शैलेन सिंह के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। आइए आपको दिखाते हैं रैली का किस तरह से आयोजन किया गया और उक्त रैली के संबंध में अपर कलेक्टर शैलेन सिंह ने क्या कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। सर झंडा तो ठीक कर लीजिए, टेढ़ा हो रहा है। घर घर तिरंगा का हमारे शासन का जो अभियान है, उस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आज रैली निकाली जाना है। और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में सबसे पहले शासकीय लोगों के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करें और ये काम किया जाएगा। यहाँ से हम लोग प्रतीकात्मक रैली निकालेंगे। सुबह भी इसका कार्यक्रम हुआ था, उसी तरह की गाड़ियाँ, लोग और सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न निजी संस्थाओं के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसका उद्देश्य यही है कि शासन के जो हर घर तिरंगा अभियान है वो 75वीं वर्षगांठ है हमारी, उसको बेहतर ढंग से सेलिब्रेट करना और लोगों के मन में फिर से आज़ादी के प्रति जो हमारा भाव है उसको जागृत करना, बढ़ाना और राष्ट्रीय प्रतीकों ध्वज के प्रति सम्मान को जाते हैं।